हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम्पल पर। तो दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की तरफ से सीएचएसएल 10+2 की न्यू वैकेंसी 2024 आ चुकी है, जिसमें आपकी एलडीसी, जेएसए, डीओ की, ग्रुप सी की पोस्ट निकली हुई है। 12th पास केवल इसमें मांगा गया है। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, जैसे कि एज, फीस, वैकेंसी, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी, जॉब प्रोफाइल एंड प्रीवियस ईयर का पेपर एंड कट ऑफ, सारी कुछ पूरी डिटेल में हम जानकारी इस वीडियो में देने वाले। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2024 ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे पोस्ट, कौन सी पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली है, नंबर ऑफ वैकेंसी यानी कि पद कितने निकले हुए, एलिजिबिलिटी, योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, एज लिमिट क्या रखी गई है, किसको रिलैक्सेशन मिला है, फीस कितनी मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा जब आप इसका फॉर्म भर देंगे और ज्वाइनिंग तक क्या क्या इसमें प्रोसीजर होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस डिटेल में क्या रहेगा, अप्लाई करने की डेट क्या है और एग्जाम डेट क्या रखी गई है, सैलरी आपको कितनी मिलेगी जो बेसिक पे है और जो इनहैंड सैलरी है वो कितनी मिलेगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, काम क्या करना होगा, कहाँ पर काम करना होगा ये रहेगा, इसके अलावा प्रीवियस ईयर का पेपर, प्रीवियस कट ऑफ, ठीक है। तो चलिए सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, इसी तरह की मोर गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स के लिए। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली हुई है। तो दोस्तों, ये इसमें जो पोस्ट निकली वो है एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, जेएसए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रुप सी की तीनों ही पोस्ट है, ठीक है। इसमें जो आपको इस तरीके से चीजें दिख रही होंगी, ठीक है, कंप्यूटर का वर्क रहता है आपका, ऑफिशियल वर्क रहता है, ठीक है। अभी जब हम वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे तब आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। चलिए, मैं भी एक ऐसे जेएसए रह चुका हूँ तो आपको अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। चलिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लें यानी कि पद कितने निकले हुए, तो दोस्तों टोटल 3712 प्लस वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है और भविष्य में इनके बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि इस बार इलेक्शन है। ओके चलिए, इसकी बात करें कि अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप एसएससी की जो न्यू वेबसाइट है ssc.gov.in, वहां पर जाके इसका अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिग्री, डिप्लोमा क्या आपके पास होना चाहिए, तो केवल 12th पास अगर आपने कर रखी है एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इंडिया से तो आप इसके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 1 अगस्त 2024 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में इस साल अपियर हुए हैं उनकी जो उनके पास जो मार्कशीट है, पास का जो सर्टिफिकेट है, वो 1 अगस्त 2024 तक अवेलेबल होना चाहिए, वो इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, अगर आप डीईओ या डीओ का फॉर्म भरना, ग्रेड ए का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास 12th पास होना तो चाहिए, बट उसमें आपको साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फॉर्मर रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए। वहीं आप एलडीसी जेएसए के लिए भरते हैं तो केवल आपको 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का बस बेसिकली ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। चलिए, एज लिमिट देख लेते हैं कि क्या एज लिमिट रहेगी। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, कोई भी कैंडिडेट 18 से 27 साल का है वो इसका फॉर्म भर सकता है, और उसकी जो एज है वो 1/8/2024 तक कट ऑफ डेट रखी गई है। उसका जो जन्म है वो 2/8/97 से लेकर 1/8/2006 के बीच हुआ होना चाहिए। वहीं कोई कैंडिडेट, ये सारा रहेगा यूआर के लिए, वहीं कोई कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करता है तो उसकी 5 साल की छूट मिलेगी, वहीं कोई OBC से बिलोंग करता है तो 3 साल की, अदर्स के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। चलिए फीस की बात कर लें, फीस क्या रखी गई है, तो दोस्तों जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ₹100 फॉर्म फीस रखी गई है, वहीं SC ST फीमेल और PH कैंडिडेट्स के लिए ₹0 शुल्क यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा जब आप इसका फॉर्म भर देंगे, उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर आपके साथ होने वाला है। तो दोस्तों, स्टेज फर्स्ट होगा सबसे पहले, जिसमें आपका Tier 1 ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ आपका Tier 1 होगा, फिर आपका Tier 2 ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, इसी तरीके से आपका Tier 2 पेपर भी होगा, फिर आपका स्टेज थर्ड होगा स्किल टेस्ट, वो भी आपका इसी तरीके से कंप्यूटर पर होने वाला है, चौथा आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो 4 स्टेजेस से होकर आपको इस तरीके से चीजें गुजरना पड़ेगा। ओके, जो आपका स्टेज 2 और स्टेज 3 है ये एक साथ होगा, ठीक है, एक साथ कंबाइंड होगा, अभी हम आगे आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों, स्टेज फर्स्ट जो होगा उसके लिए एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या रखा गया, स्टेज 2 के लिए क्या रखा गया, टाइपिंग जो होगी उसमें किसने कितनी जो है स्पीड मांगेगी, सब कुछ आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम Tier 1 हमारा जो एग्जाम होगा उसके लिए स्कीम देख लेते हैं। तो इसमें आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश नॉलेज, जिससे 25 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स आपको मिलेंगे, यानी कि एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। दूसरा आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तीसरा आपका रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आपका जो मैथ्स है वो रहेगा, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। चौथा रहेगा GA जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ओके चलिए,
इसके लिए टोटल आपको 60 मिनट्स यहाँ पर दिए जाएंगे, यानी कि 1 घंटा आपको दिया जाएगा, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको 80 मिनट्स यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, इसके बाद बात करें, टोटल आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, जो कि 0.50 की रखी गई है, यानी कि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका आधा नंबर काटा जाएगा। जब आप इस टीयर फर्स्ट को पास कर लेंगे, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, केवल ये क्वालिफाइंग नेचर होगा, केवल आपको पास करना है, ठीक है। फिर आपका होगा टीयर 2, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आपका टीयर 2 एग्जाम होगा, जिसमें आपके कुछ इस तरीके से इसका पैटर्न डिसाइड किया गया है। यहाँ पर सेशंस है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके सब्जेक्ट के अंदर सेक्शंस है, फिर यहाँ पर नंबर है, और मैक्सिमम मार्क्स और कितना टाइम यहाँ पर दिया गया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं, सबसे पहले सेशन की बात करें तो सेशन फर्स्ट होगा आपका, टोटल एक सेशन होगा, मतलब एक ही दिन में एक पेपर होगा सेशन फर्स्ट के लिए, जिसमें आपको टोटल 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, जिसके अंदर जो सेक्शंस रहेंगे आपके, सेक्शन फर्स्ट होगा, सेक्शन सेकेंड होगा और सेक्शन थर्ड होगा आपका, ठीक है, ये सारे सेक्शंस आपके रहने वाले हैं। इसके बाद फिर आपका सेशन 2 होगा, जिसके अंदर सेक्शन 3 का ही मॉड्यूल 2 होगा यहाँ पर। चलिए आपको इतना समझ में नहीं आएगा, मैं डिटेल से समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ से मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ किस तरीके से चीज़ें चलने वाली है। सेशन वैशन का रट्टा छोड़िए, डिटेल में समझिए। आप जब पेपर टीयर 2 देने जाएंगे तो सबसे पहले आपका एक सेशन फर्स्ट होगा, एक ही साथ पेपर चलेगा, मतलब पेपर स्टार्ट हो चुका है आपका मान के चलिए, और उसी दौरान सारी चीज़ें हो रही होंगी, ठीक है। सेशन फर्स्ट होगा, जो कि 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें सेक्शन फर्स्ट होगा, जिसमें आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज होगी, और दूसरा मॉड्यूल होगा रीजनिंग का, जिससे 30-30 क्वेश्चन दोनों से पूछे जाएंगे, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा, तो 60 क्वेश्चन हुए आपके 180 मार्क्स के। 1 घंटा आपको ईच सेक्शन के लिए यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि सेक्शन फर्स्ट के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा मैथ और रीजनिंग के लिए। इसके बाद फिर उसी दौरान सेक्शन 2 होगा, जिसमें आपका मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल सेकंड होगा। मॉड्यूल फर्स्ट में आपकी इंग्लिश, मॉड्यूल 2 में आपका जी होगा। इंग्लिश आपकी 40 मार्क्स की रहेगी, और वहीं जी आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल 60 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, वही एक क्वेश्चन 30 मार्क्स का, टोटल 180 मार्क्स आपके यहाँ पर हो जाते हैं। इसके लिए भी आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 1 घंटे इस वाले सेक्शन को, 1 घंटे इस वाले सेक्शन को। फिर आपका सेक्शन 3 होगा, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा। मॉड्यूल फर्स्ट कंप्यूटर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 टोटल क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 45 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, और इसके लिए 15 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 1 घंटा 2 घंटा और 2 घंटा 15 मिनट, इस तरीके से आपके सेशन फर्स्ट में टोटल 2 घंटे 15 मिनट लगेंगे। और कंप्यूटर जो नॉलेज आपका केवल क्वालिफाइंग करना है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। आपका जो सिलेक्शन होगा वो इन 4 सेक्शन के आधार पर होने वाला है। फिर वही बात करें कि इसके बाद आपका सेशन 2 स्टार्ट होगा, थोड़े ब्रेक के बाद, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जो कि आपका होगा सेक्शन 3 का ही मॉड्यूल 2, जिसमें स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट का मॉड्यूल होगा। इसमें आपके जो DEO है, ठीक है, जो कि DEO है, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री वाला, फिर DEO वाली है, ये पोस्ट दो तरीके की पोस्ट है, DEO वाली, ठीक है, एक ग्रेड ए वाली है, एक नॉर्मल वाली है, और फिर आपका JSA और LDC वाली टाइपिंग है। तो इसके लिए आपको 15 मिनट, इसके लिए भी 15 मिनट, और इसके लिए 10 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तुरंत जिसने आपने जिस पोस्ट के लिए भरा हुआ वो आपकी टाइपिंग यहाँ पर ली जाएगी। ओके चलिए, इसके बाद बात करें, देयर विल इंक्लूड 3 सेक्शन हैविंग into 2 मॉड्यूल। वही चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ बता दी कि सेक्शन फर्स्ट में मॉड्यूल फर्स्ट मॉड्यूल 2 होगा, सेक्शन 2 में मॉड्यूल फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड होगा, सेक्शन 3 में मॉड्यूल फर्स्ट होगा और मॉड्यूल सेकंड होगा, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो टीयर इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और वही 1 नंबर आपका काटा जाएगा, यानी कि 1 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर काट लिया जाएगा, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर नॉलेज जो हो केवल मैंडेटरी है क्वालिफाइंग के नेचर के लिए। बात करें टाइपिंग टेस्ट की, तो JSA और LDC के लिए जो टाइपिंग होगी आपकी, वहाँ पर आपको 10 मिनट्स की टाइपिंग होगी, जिसमें आपकी इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो 35 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, और हिंदी की जो टाइपिंग है वो 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, ठीक है। ये कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग होने वाली है, ठीक है। चलिए, इसके बाद वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें, तो इसमें स्किल टेस्ट होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो स्किल टेस्ट है वो होती है, यहाँ पर आपको 15 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, 15 मिनट के अंदर अंदर इतने जो 15,000 की डिप्रेशन है वो टाइप करने होते हैं। यहाँ पर ये ग्रेड ए की जॉब है, जिसमें आपको 8,000 की डिप्रेशन टाइप करने होते हैं 15 मिनट के अंदर। तो ये कुछ स्किल टेस्ट था, टीयर फर्स्ट कैसे होगा, टीयर 2 क्या होगा, स्किल टेस्ट कैसे होगा, ये सारी मैंने आपको जानकारी दे दी। बात कर लेते हैं इसका सिलेबस, ये तो मैंने आपको पैटर्न बताया कि किस किस तरीके से पूछा है, इसका डिटेल सिलेबस क्या है, यानी कि जो आपके ये सेशन पूछे जाएंगे, जैसे इंग्लिश, GA, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर बेसिकली पूछा क्या क्या जाएगा, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो चलिए ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए, इसमें इंडिकेटिव सिलेबस आपको दिख रहा होगा यहाँ से,
यह इंडिकेटिव सिलेबस इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, तो आपको यहाँ से देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम पर डालूंगा, वहां से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जीए हुआ, जीए में इतने सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये देखिए इतने सारे टॉपिक्स। ठीक है, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलेंगे तो, कि इसका डिटेल सिलेबस अलग से एक वीडियो बना दी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक, एलजेब्रा से, ज्योमेट्री से, मेंसुरेशन से, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन, स्टैटिकल चार्ट से क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आपका जीए हुआ, जीए में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स वगैरह, हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी वगैरह, यहाँ से। फिर टीयर टू होगा, टीयर टू का भी यहाँ पर मॉड्यूल फर्स्ट सेशन में मैथ से कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाएंगे, ये सारा कुछ डिटेल में यहाँ पर सिलेबस दे रखा है। मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूँ, आप वहाँ से इसको अवेल कर लीजिएगा। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि इसकी अप्लाई करने की डेट एंड एग्जाम डेट क्या रखी गई है। तो दोस्तों, इसके जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं 8 अप्रैल से, और 7 मई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। वहीं बात कर लें कि इसकी जो करेक्शन विंडो है वो ओपन होगी 10 मई और 11 मई को। इसके जो टीयर फर्स्ट होगा जून से जुलाई 2024 में होगा, टीयर टू के लिए बाद में आपको बताया जाएगा। बेसिकली कल ही एक नोटिस आउट हुआ था जिसमें आपको एसएससी के द्वारा इसकी जो एग्जाम डेट है वो रिवील की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2024 पेपर फर्स्ट सीबी के लिए, जो कि आपका 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और 12 जुलाई तक आपका ये पेपर चलने वाला। तो एग्जाम डेट कब होगी, 1 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है, 12 जुलाई को ये समाप्त हो जाएंगे। तो अप्रैल के बाद आप देख सकते हैं मई, जून और जुलाई, लगभग लगभग 3 महीने आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए बात कर लेते हैं सैलरी क्या मिलने वाली है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, एलडीसी की बात करें या जेएससी की बात करें, लेवल 2 की ये दोनों ही पोस्ट है। ठीक है, जिसमें आपका बेसिक पे रहता है 19,900 से 63,200। इसमें जो इन हैंड जो सैलरी आपको मिलने वाली है वो आपकी रहेगी 32,000 से लेकर 40,000 के बीच। ठीक है, बेसिक पे आपका ये रहेगा, उसके बाद डीए वगैरह, एचआरए वगैरह और भी जो अदर अलाउंस होते हैं वो मिला के आपको, ये सिटी वाइज वेरी करेगा, 3 सिटी होती है, एक्स, वाई और जेड। यहाँ सबसे कम, यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ सबसे ज़्यादा सैलरी। ठीक है, अगर आप एक्स जैसी सिटी में जो जॉब लेते हैं तो 40,000, बाय में लेते हो तो इसके बीच में, जेड में लेते हो तो 32,000 तक आपको सैलरी मिलती है। और ये आपके डिपार्टमेंट वाइज भी वेरी करती है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई सारे, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया आपका, है ना, इसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, है ना, राज्यसभा हो गई, लोकसभा हो गई, रेलवे हो गया, बहुत सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं बड़े बड़े अच्छे, सीबीआई, है ना, आपका ईडी हो गया, मतलब जितने भी बहुत खतरनाक खतरनाक जो डिपार्टमेंट है वो आपको इसमें मिलते हैं, आईबी वगैरह तरीके के। ठीक है, इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर है जो कि लेवल 4 की जॉब है, इसी इसी के साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की जॉब है जिसमें लेवल 4 की ये जॉब है। ठीक है, जिसमें आपके बेसिक पे 25,500 से लेकर 81,100 के आसपास रहेगा। उसमें एक पोस्ट लेवल 5 की भी रहेगी डाटा एंट्री ऑपरेटर में, जिसका 29,200 बेसिक पे रहेगा। ठीक है, इन हैंड सैलरी जो आपकी रहेगी अलग अलग सिटी वाइज 48,000 से 55,000 तक ये सैलरी जाने वाली, तो सैलरी अपने आप में काफ़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी और जॉब लोकेशन। जॉब प्रोफाइल में आपको बेसिकली डेस्क जॉब रहेगी, ऑफिस में ऑफिशियल वर्क रहेगा, आपको पेपर पे जो वर्क होता है वो आपको करना पड़ेगा। देखिए, इस तरीके से मैं भी वर्क करता था, बेसिकली जिस डिपार्टमेंट में आप रहेंगे वहाँ पर जो भी आपको काम दिया जाएगा, आपको रिसीव एंड डिस्पैच का काम दिया जा सकता है, इंस्पेक्शंस का काम दिया जाता है, मतलब अलग अलग जो भी काम है आपको इस तरीके से। डाटा एंट्री ऑपरेटर का अगर जॉब है तो डाटा एंट्री से काम आपको दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह उसका डाटा डालना, इस तरीके से सारी चीज़ें हो जाती है वो करें। लोकेशन बात कर लें तो ऑल ओवर इंडिया में आपको ये वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में आपकी लोकेशन मिल सकती है आपके नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसमें डिपार्टमेंट्स कौन से बनेंगे तो मैंने बता दिया, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, आईबी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, रेलवे हो गया, इसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया। ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट्स आपको मिलते हैं। बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर किस तरीके से आया था, क्या क्या पूछा गया था, इसकी पीडीएफ वगैरह कहाँ से मिलेगी, और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना गया था, उसमें कितने नंबर आए थे, कितनी वैकेंसी थी उस समय, और इस बार कितनी वैकेंसी निकल हुई है। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर और पीवीएस का जो कट ऑफ है आपको कहाँ मिलेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर जीके। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आज की डेट में जितने भी सीएचएसएल 2022-23 के पेपर्स से सारे यहाँ पर पीडीएफ डाल दिए हैं। ठीक है, और इस चैनल पर मैंने जितना भी जो कट ऑफ से रिलेटेड पीडीएफ से यहाँ पर डाल दिए हैं। ठीक है, मैं एक इसका अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि किस तरीके से आपको पेपर डाउनलोड करना है, किस तरीके से कट ऑफ गया था, वो डिटेल कर दूंगा। बट फिलहाल अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको चाहिए देखनी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, आपको ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, ये मैंने कट ऑफ वगैरह टीयर 1 का देख लो, 2023 का क्या गया था, 2022 में क्या गया था, इसके अलावा
ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए जीके से रिलेटेड, वो इसके जो जितने भी एग्जाम होते हैं, तो देखिए यहाँ पर ढेर सारी, जो मेरा सेकंड चैनल है द एग्जाम एल्पर जीके, ढेर सारी पीडीएफ्स मैंने देखी, कितनी सारी पीडीएफ्स, 25 से भी ज़्यादा पीडीएफ्स यहाँ पर डाल दिए, और आने वाले समय में भी आपको यहाँ पर डाटा मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम पर जाना, ये सर्च करना और यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके ठीक है, चलिए तो इसका अगला देख लेते हैं दोस्तों, ये लीजिए। ठीक है, तो ये आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं जाके। बाकी आगे वीडियो बता दूंगा इसका, जो किस तरीके से आप पर्टिकुलर डाउनलोड कर सकते हैं, कट ऑफ वगैरह क्या रही थी, देख के बता दूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना द एग्जाम हेल्पर एंड द एग्जाम हेल्पर जीके, और यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह की मोर गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं SSC के लिए या और भी कोई अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो हमारे चैनल द एग्जाम हेल्पर जीके को फॉलो कर लेना, वहाँ पर आपकी क्लासेस वगैरह प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, नीचे लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।